हाय गाइस, तो आज का इंट्राडे मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि क्या चेंजेस करने शुरू करें इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, तो मंडे मंडे को मैं यूजुअली अगर मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास खुलता है तो डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ। तो डायरेक्शनल में जनरली मैं नेकेड कॉल या पुट सेल करता था, बट मैंने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हो रहा है और नेकेड सेलिंग में बहुत हमेशा मेरे स्टॉप लॉस लग कर ही मार्केट मेरा व्यू फॉलो कर रही है। मतलब मेरा व्यू सही था, नेगेटिव या पॉजिटिव मेरा व्यू परफेक्ट जा रहा है, बट क्योंकि मैं अब नेकेड सेल कर रहा हूँ तो मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैंने रेशियो सेल करा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप, ठीक है, 16100 बाय कर रखी थी, 200 सेल करी, नेट प्रॉफिट इज़ अराउंड 7.5K। इसको आप प्लस माइनस करो तो इंट्राडे का ये वाला, ठीक है, और कुछ व्यू नहीं था। सुबह सुबह खुलते ही डाल दिया था, हम रेजिस्टेंस के आसपास खुल रहे हैं, बहुत ही कम चांस थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, और ठीक था मेरे हिसाब से, एक अच्छी ट्रेड था और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। उसके बाद जब तक हम दोबारा, हमने जब अपना हाई टेस्ट करा जो कि ये वाला जोन था, यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़ीरो पूरा था, मतलब यहाँ तक आते आते में 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ तक जाने में वापस ज़ीरो हो गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस था। बट ये वाली जो डाउनफॉल आई, इसमें वापस हमारे अपने 7.5K आ गए। अब सोचो, मैंने नेकेड बेच रखी होती यहाँ पे कॉल, यहाँ तक प्रॉफिट दिखा रही होती, फिर यहाँ जाके मेरा स्टॉप लॉस लेती, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट होता ही ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता फिर वापस मेरा व्यू। तो मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा चॉपी है, तो मेरे हिसाब से रेशियो सेलिंग मैंने बैक टेस्ट करी है और मेरे हिसाब से सही चल रही है। बैक टेस्ट क्या है? मैनुअल बैक टेस्ट, ऑप्शन में डाल डाल के ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी कल ट्यूजडे, कल देखते हैं। थैंक यू।